नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल वेद संसार में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम अपने वीडियो में आपको बताएंगे चाणक्य नीति के बारे में कि किन चार कामों के बाद नहाना है आवश्यक। तो दोस्तों, यह तो हम सभी जानते हैं कि हमारे लिए नहाना या यूं कहें कि स्नान करना कितना आवश्यक होता है। अधिकतर लोग सुबह सुबह अपने दिन की शुरुआत नहाकर ही करते हैं। देखा जाए तो नहाना बहुत आम सा काम लगता है, लेकिन आज बताएंगे आपको आचार्य चाणक्य के द्वारा बताए गए चार काम जिन्हें करने के बाद अच्छे स्वास्थ्य की दृष्टि से जरूर नहाना चाहिए। इनमें है सबसे पहले तेल मालिश। चाणक्य की माने तो स्वस्थ शरीर और चमकदार त्वचा पाने के लिए जरूरी है कि सप्ताह में कम से कम एक बार पूरे शरीर पर तेल मालिश जरूर करें। कहते हैं कि तेल मालिश के बाद शरीर के रोम छिद्र खुल जाते हैं और आपके अंदर का मैल बाहर आ जाता है। यही कारण है कि तेल मालिश के तुरंत बाद जरूर से नहा लें ताकि शरीर का सारा मैल और तेल साफ हो जाए। ध्यान दें कि तेल मालिश के बाद बिना नहाए बाहर जाना अशुभ होता है। शव यात्रा से लौटने पर अगर आप कभी अपने मित्र या पारिवारिक के किसी व्यक्ति की अंतिम यात्रा में जाते हैं या कभी शमशान जाना पड़ता है तो वहां से आने के तुरंत बाद नहा लेना चाहिए। बता दें कि शमशान के वातावरण में कई तरह के कीटाणु रहते हैं जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक होते हैं। शमशान जाने पर यह कीटाणु हमारे बालों में और कपड़ों पे चिपक जाते हैं। अगर आप तुरंत साफ नहीं किया तो यह आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकते हैं। ध्यान रखें कि शमशान से घर आकर तुरंत नहा लें, क्योंकि ऐसा करना आपके स्वास्थ्य के लिए श्रेष्ठ रहता है। स्त्री प्रसंग के बाद, चाहे आप स्त्री हो या फिर पुरुष, प्रेम प्रसंग काम क्रिया के बाद भी नहाना बहुत जरूरी माना गया है। इस काम के बाद स्त्री और पुरुष दोनों ही अपवित्र हो जाते हैं। इसके बाद जब तक दोनों नहाएंगे नहीं तब तक किसी भी धार्मिक कार्य के लिए योग्य नहीं माने जा सकते। आचार्य चाणक्य के अनुसार इस काम के बाद बिना नहाए कहीं बाहर नहीं जाना चाहिए। तो इसके बाद है बाल कटवाने के बाद। आचार्य चाणक्य की माने तो हजामत करवाने के लिए यानी कि बाल कटवाने के बाद भी तुरंत नहा लेना चाहिए। बाल कटवाने के बाद पूरे शरीर पर छोटे छोटे बाल चिपक जाते हैं जो कि नहाने के बाद ही शरीर से साफ हो सकते हैं। अतः इस कार्य के बाद तुरंत नहाना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, जैसा कि हमने इस वीडियो में आपको दिखाया कि आचार्य चाणक्य के वो कौन से वचन या फिर कौन से वो चार काम हैं जिसके बाद आपको नहाना बहुत ही जरूरी है और क्यों, तो उम्मीद करते हैं आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया। तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आगे भी आपको ऐसे रहस्यमय और रोमांचक वीडियो दिखाते रहेंगे। तो दोस्तों, जल्दी ही हम लौटेंगे अपने नए रहस्यमय और रोमांचक वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप हमारे वेद संसार चैनल के साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।